बीकानेर नगर स्थापना दिवस है और इस नगर स्थापना दिवस पर पतंगे उड़ाने का एक विशेष त्योहार के रूप में इस दिवस को मनाया जाता है। आज भी पतंगे उड़ रही है, सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा भी बराबर पतंग उड़ा रहे हैं, बीकानेर में उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। बीकानेर में देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पतंग के साथ में एक तरह से बड़ा संदेश भी है जो कि ये दे रहे हैं। लोकेश जी से पूछ लेते हैं, क्या संदेश? शहर बीकानो जाजो निरालो अपनाए उतरो देश, भुजिया पापड़ बड़ी रे स्वाद, रोड डंको भुजिया पापड़ बड़ी रे स्वाद, रोड डंको गूंजे देश विदेश, वाह बीकाना देश वाह बीकाना देश। आपकी अपनाए खूब बीकानेर में? देखिए, इस बीकानेर शहर की अपनाए ये है जो बार बार मुझे खींचे लाती है और मैं यहाँ देख रहा हूँ। चाहे त्योहार कोई भी हो, होली पर भी मेरा एक संयोग बना था कि मैं इस शहर में आ पाया था, तब भी मैंने देखा और आज भी मैं देख रहा हूँ कि आज के इस अवसर पर जब बीकानेर का स्थापना दिवस है और आखा तीज का पर्व मनाया जा रहा है, तो ऐसे समय में यहाँ शाम के वक्त आप देखिए कि चारों तरफ सुबह से कितनी पतंगे काट चुके हैं। कौन सी खास पतंगे? मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं उड़ाई, लेकिन जिस छत पे आकर या एक दो छतों पे जाके मैंने पतंगे उड़ाई है, तो जो ज्यादा ऊंची उड़ रही थी मैंने वो पतंगे काट। लगभग कितने? तीन चार तो काट चुका हूँ। तीन चार काट चुके हैं। देखिए बड़ी मस्ती है, पतंगे काटने का काम बराबर जारी है और इसी तरह से बीकानेर के लोग मस्ती से यहाँ पर अक्षय तृतीया का त्योहार जो कि बीकानेर नगर स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। KK सिंह, न्यूज इंडिया, बीकानेर।